और आज सुबह सुबह बहुत ही सुंदर नजारा दिखाई दे रहा है। बर्फ बर्फ दिखाई दे रही है, अपने घर के चारों तरफ बर्फ ही बर्फ पड़ी हुई है और थोड़ी थोड़ी तो पिघल गई है, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं पिघली हुई है। अभी इसको टाइम लगेगा, आज शाम तक तो पूरी पिघल जाएगी। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। मैं मीरा देवी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल मीरा देवी मंडियाली ब्लॉगर में। तो कैसे हो सब लोग, मैं उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे। कल दिन में हमारे गांव में बहुत ओले और बर्फबारी हुई। पहले तो हमें लगा कि ये ओले हो रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर में जब वो धरती ठहरने शुरू हो गए तो तब हमने देखा कि ये तो साथ में बर्फ भी गिर रही है। तो बहुत ज़्यादा बर्फ गिरी हुई थी कल हमारे यहाँ पे, और हमने उस बर्फ़ में बहुत ज़्यादा मस्ती भी की है। और 2-3 साल के बाद ही हमारे यहाँ पे बर्फ़ गिरी है। हर बार नहीं यहाँ पे बर्फ़ गिरती, तो कभी कभी मिलता है समय का भी देखने को भी, और ऐसी मस्ती करने को भी कभी कभी मिलती है। और बर्फ़ को देखकर मुझे अपनी शादी वाला दिन याद आ गया। जब जब बर्फ़ गिरती है तो मुझे अपनी शादी वाला दिन याद आ जाता है, क्योंकि जिस दिन मेरी शादी हुई थी तो उस दिन हमारे इसी गांव में बहुत बर्फ़ गिरी हुई थी। और मैं ना उस दिन पैदल आई थी, ना कोई डोली ना कोई गाड़ी, क्योंकि उस दिन इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई थी ना, जिसकी वजह से सारे रास्ते बंद हो गए थे। और वैसे मेरे ससुराल वालों ने गाड़ियाँ तो की हुई थी, लेकिन रोड बंद होने की वजह से गाड़ियाँ नहीं आ पाई थी, तो इसलिए इन्हें भी बारात लेकर के पैदल ही जाना पड़ा था यहाँ से, और मुझे भी पैदल ही आना पड़ा था वहाँ से। और वक्त चाहे कितना भी बदल जाए, लेकिन कुछ यादें ऐसी होती हैं जिनको हम चाह करके भी नहीं भुला पाते हैं। और आज फिर से मौसम खराब है, तो 6 दिन लगातार हो गए इस मौसम को ऐसे ही खराब हुए, तो बहुत परेशानी हो रही है। अब तो नाक में दम कर दिया है इस मौसम ने। और मेरा बड़ा बेटा जो 2 दिन के लिए घर आया हुआ था, तो आज वो फिर से चला गया है अपने काम पे। और लड़कों को तो ऐसे जाना ही पड़ता है, अपनी जॉब तो करनी ही पड़ती है, अगर वो घर में रहेंगे तो घर कैसे चलेगा। जैसे लड़कियों को अपने ससुराल में जाना ही पड़ता है, तो उसी तरह से लड़कों को भी अपनी जॉब पे जाना ही पड़ता है। और आज फिर बाहर कोई काम नहीं है करने को, तो आज मैं थोड़ी देर बैठ के अपने कपड़ों की सिलाई कर लूंगी। और वैसे भी सिलाई करने को कम ही टाइम मिलता है, तो ऐसे मौसम में ही होता है सिलाई का काम। और आज फिर से हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, और साथ में धूप भी निकली है, तो इसको हम बोलते हैं गिद्दड़ गिद्दड़ी का ब्याह। तो आज हो गया गिद्दड़ गिद्दड़ी का ब्याह शुरू। तो मैं बैठ गई हूँ मशीन के पास, और मैं थोड़ी देर सिलाई करूंगी। और पूरा सूट तो मुझसे एक बार में सिलाई नहीं होता है, पर मैं थोड़ा थोड़ा ही करती हूँ। और वैसे भी अपने हाथ का काम होता है, तो थोड़ा थोड़ा भी अच्छा ही होता है। और जितना मुझसे आज हो पाएगा ना, उतना ही करूँगी मैं। जो रह जाएगा तो उसको मैं फिर बाद में कर लूँगी। और ये सूट की कटिंग करके मैंने पहले से ही रखा हुआ था ना, तो अब मैं इसकी थोड़ी थोड़ी करूँगी सिलाई। और आजकल सिलाई बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, 200 रुपये का एक सूट सिलते हैं आजकल। तो थोड़ी देर की मैंने सिलाई, और अब मैं सिलाई का काम बंद कर दूंगी। वैसे मैं ज़्यादा देर झुक के काम नहीं कर सकती, मेरी गर्दन में दर्द होती है। और ये मेरे कपड़े ना बहुत ज़्यादा मोटे हैं, कंबल जैसे, अगर इनकी सिलाई हो गई होती ना, तो ये जो बारिश लग रही है और ठंड है बहुत ज़्यादा, तो इस ठंड में बहुत काम आने थे, पर मुझसे इनकी सिलाई नहीं हो पा रही थी। तो अभी पता नहीं कितना टाइम लगा मुझे इनकी सिलाई करने को। और टाइम हो गया है शाम का 4 बजे का, और बारिश अभी भी लग रही है हल्की हल्की, तो ठंड है आज बहुत ज़्यादा। और 4-5 दिनों में जब से बारिश हो रही है ना, तब से बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है हमारे यहाँ। तो अब जा रही हूँ मैं रसोई में, और आग जला करके थोड़ी देर आग सेकूंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगी हुई है और मेरे हाथ हो गए हैं ठंड से लाल। और आज मुझे बहुत काम था करने को ना, अंदर का ही बाहर का तो कुछ नहीं था। और आज मैं भैंसों के पास भी नहीं गई हूँ, सुबह मैंने भैंस धोने का काम ही किया है सिर्फ, और खाना बनाने का किया है। और आज बारिश की वजह से मेरा गला कुछ अजीब सा लग रहा है, मुझे खुद को ही लग रहा है कि मेरे गले से कुछ अजीब सी आवाज़ निकल रही है आज। पता नहीं कल मैंने ये बर्फ में ना बहुत ज्यादा मस्ती की है, उसकी वजह से हुआ होगा शायद। तो टाइम हो गया है शाम का 5:30 बजे का, और मुझे 2 काम रह गए हैं करने को। पहला तो मुझे भैंस धोने का है, और दूसरा है मुझे खाना बनाने का। तो उससे पहले मैं अपनी वीडियो का करूंगी यहीं पे एंड। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और जो लोग नए आए हैं चैनल पे, वो भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।